हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर एसएससी ने एक नोटिस डालकर जो ग्रुप डी वाले छात्र हैं उनको दोस्तों एक बहुत बड़ी चिंता में, बहुत बड़े असमंजस में डाल दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो छात्र हैं ग्रुप डी के, लगातार पिछले लगभग 2.5 साल से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर एग्जाम के बारे में कोई भी दोस्तों ऐसी कोई खबर आती है जिससे मनोबल टूटता है स्टूडेंट का, तो दोस्तों बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एसएससी ने एक नोटिस डाला है, अपना शेड्यूल डाला है सितंबर और अक्टूबर का, जिसमें दोस्तों एसएससी ने अपनी जो एग्जामिनेशन है यहां पर कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपकी जो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है यहां पर शुरू की जा सकती है। एक मैं आपको खुद का ओपिनियन यहां पर शेयर करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है लाइफ टाइम का टेक्स्ट बुक पास, जो आपको 499 का मिल जाएगा और एक साल का आपको 299 मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है आप टेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैलिड होता है, यानी कि दोस्तों आपको अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिए गए हैं और बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, उन फ्री टेस्ट को आप देखकर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां पर दोस्तों ये आपका जो एसएससी है उसने यहां पर नोटिस डाला है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों यहां पर देखिए, इंपोर्टेंट नोटिस, द कमीशन हैज शेड्यूल्ड कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर 2021। यानी दोस्तों यहां पर जो कमीशन है एसएससी का, उसने दोस्तों ये निर्णय लिया है कि आपकी जो फॉलोइंग जो एग्जामिनेशन है वो आपके सितंबर और अक्टूबर महीने 2021 को है, वहां पर कंडक्ट करवाने का निर्णय लिया गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो देखिए, एक तो आपका है दोस्तों सीजीएल जो एग्जामिनेशन है उसका स्किल टेस्ट होगा, और वो दोस्तों आपके जो रखा गया है। तो यहां पर आप देखिए कौन कौन से एग्जाम हैं जो यहां पर कंडक्ट करवाई जाएगी एसएससी के द्वारा। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो पहली एग्जामिनेशन है वो आपके है सीजीएल का, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो। और दोस्तों इसकी जो डेट यहां पर रखी है ना, वो आप यहां पर देख सकते हैं, उसकी जो आपका डेट है वो दोस्तों है आपके 15 सितंबर से लेकर और आपका 16 सितंबर, यानी कि 2 दिन आपके ये जो एग्जाम है यहां पर होगी। उसके बाद दोस्तों एक आपके एग्जाम में होगी जेई की, है ना, तो ये इसका सेकंड पेपर होने वाला है। और दोस्तों ये आपकी होगी 26 सितंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर देखो एमटीएस जो है उसकी एग्जामिनेशन होगी, उसका पेपर वन होगा, और दोस्तों ये आपकी होने वाली है 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। और इसके बाद दोस्तों यहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो दोस्तों 21 सितंबर और 22 सितंबर को यहां पर होने वाला है। और दोस्तों नीचे यहां पर लिखा गया है कि ये जो शेड्यूल है ये यहां पर आपके कंडीशन जो है कोविड-19 की उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डेट्स यहां पर चेंज की जा सकती हैं। अब दोस्तों इस ये नोटिस को देखकर जो भी यहां पर ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन का, दोस्तों उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि सर क्या होगा अब हमारी एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों ये वीडियो उसी के लिए मैंने बना रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो एग्जामिनेशन है वो लगातार नहीं है, पहली बात तो ये, कुछ गैप्स दिए गए हैं, और उन गैप्स में मेरे हिसाब से जैसे आपका जो एनटीपीसी जो हुआ था ना, एनटीपीसी में आपको पता होगा कि जो फेज, बहुत सारे फेजों में एग्जाम हुआ था, 7 फेजों में आपका एग्जाम हुआ था। तो उसी प्रकार से मेरे हिसाब से अगर दोस्तों रेलवे चाहेगा, और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि भाई कौन सी आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, टीसीएस है या फिर दूसरी जो है, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए दोस्तों मैं भी आपको नहीं बता रहा हूं कि कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लेगी। लेकिन दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि अगर सेप्टेंबर आपके अगस्त एंड में एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, अगर रेलवे चाहती है अगस्त एंड से एग्जामिनेशन करवाना तो करवा सकती है। और दोस्तों 15 सेप्टेंबर तक उनके पास काफी समय है, वहां पर दोस्तों एक फेज में एग्जाम हो जाएगा। फिर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ये 10 दिन का टाइम है ना, 16 से और 26 के बीच का 10 दिन का टाइम है, इसमें आपका सेकंड फेज हो सकता है। फिर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर फिर वही लगभग 10 दिन का टाइम है, उसी प्रकार से थर्ड फेज हो सकता है, और फिर दोस्तों 22 अक्टूबर के बाद फिर टाइम ही टाइम है। तो दोस्तों अगर रेलवे चाहती है ना तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो फेजों में एग्जामिनेशन ले सकती है ना। तो ये दोस्तों क्लियरली डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर, रेलवे की मंशा क्या है एग्जामिनेशन करवाने
करवाने का। और दोस्तों मैं आपको शुरू से एक चीज बोल के आया हूं कि भाई डिपेंड रेलवे के ऊपर एग्जामिनेशन करवाना, आप कितना ही ट्विटर कैंपेन कर लीजिए गाइस, भले ये बात मेरी आपको बुरी लगेगी है ना, एक चीज मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, आप कितना ही ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, क्योंकि जितना दोस्तों मेरे को पता है ना रेलवे का, शायद आपको उतना पता नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पता है कि इस रेलवे से जुड़ा हूं तो मुझे पता है वो चीजें है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे हिसाब से जितना कितना भी आप ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, जब तक रेलवे नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। हाँ एक चीज हो सकती है, अगर रेलवे पूरी प्रिपरेशन करके बैठी है और उसको नोटिस मान लो कि 10 दिन पहले डालना है, वो दोस्तों वो नोटिस 2-5 दिन पहले डाल सकती है, लेकिन दोस्तों अगर उसकी मंशा ही नहीं है ना, तो दोस्तों ये मैं आपको आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सच है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2019 में देखो आप खुद समझ जाएंगे मेरी ये बात से, खुद आप एग्री होंगे, 2019 में 204 भर्ती आई हुई थी। कौन कौन सी? एक थी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड, ठीक है, दूसरी थी आपकी एनटीपीसी, इनके नोटिफिकेशन साथ साथ आए थे, तीसरी थी आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी, और दोस्तों चौथी थी आपकी ग्रुप डी की। तो दोस्तों रेलवे में आपको पता होगा एनटीपीसी की भर्ती 2015 में आई हुई थी, उसके अलावा आपका जो ग्रुप डी की थी लेवल वन की, वो दोस्तों 2018 में आई हुई थी। तो दोस्तों इनकी तो कमी रेलवे के पास थी नहीं, तो रेलवे ने क्या किया, सबसे पहले रेलवे को सबसे ज्यादा जरूरत थी दोस्तों किसकी, पैरामेडिकल की, ठीक है, तो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए रेलवे ने सबसे पहले जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाया और उनकी ज्वाइनिंग भी दे दी। आप खुद सोचिए जो भर्ती 2019 में निकली थी उनकी ज्वाइनिंग भी, पेरेंट डाल के ज्वाइनिंग भी कर दी है जो पैरामेडिकल की जो भर्ती निकली हुई थी उनकी। अब आप खुद सोचिए दोस्तों क्या इतना डिले क्यों किया जा रहा है बाकी सभी भर्तियों को, जबकि उस एग्जामिनेशन को क्यों कंडक्ट करवा लिया गया? उसका कारण यह था कि उनके फॉर्म कम थे पहली बात तो, और दूसरा रेलवे को स्टाफ की जरूरत थी इसलिए। अब दूसरे नंबर पे फिर आपकी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की, इसकी भर्ती भी दोस्तों बहुत पहले आई हुई थी है ना, 2015 से पहले आई थी, तो ऐसे में स्टाफ की कमी थी, इस वजह से दोस्तों इनकी भी एग्जामिनेशन यहां पर पहले ली गई ग्रुप डी से और आपके जो एनटीपीसी है उससे, और दोस्तों इसका भी रिजल्ट यहां पर अनाउंस नहीं किया गया है। और दोस्तों अब बात करें एनटीपीसी और ग्रुप डी में पहले एनटीपीसी क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी 2015 में आई थी और 2015 वाली जो भर्ती है लगभग पूर्ण हो चुकी है और ऐसे में यहां पर स्टाफ की जरूरत है, जबकि दोस्तों ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है 2018 वाली, मेरी बातें भरे आपको कड़वी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी दोस्तों, कोई नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो गाइस, लेकिन चीजें मैं आपको सही बता रहा हूं, आप विश्वास कीजिए कि ग्रुप डी 2018 की जो भर्ती है अब तक पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे जो आपके आरआरसी उनकी तरफ से नए नए डीवी आ चुके हैं, उनका डीवी मेडिकल बाकी है, बहुत सारों का डीवी मेडिकल हो चुका है, पैनल देना बाकी है, बहुत सारों का ज्वाइनिंग देना बाकी है, यानी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 की भर्ती जो है पूरी यहां पर नहीं हुई है। ऐसे में दोस्तों जो रेलवे है उसके पास लेवल वन जो है उसके पद फिलहाल आप मान के चले कि इतनी रिक्रूटमेंट नहीं है, हालांकि दोस्तों रेलवे क्या करते हैं जब भी कोई भर्ती निकालते हैं तो 2-3 साल पहले की भर्ती यहां पर ले लेती है, इसलिए दोस्तों एग्जामिनेशन में डिले हो जाता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग दे तो जितनी मान लो कि आपकी 2023 तक की जो भर्ती है वो काउंट कर रखी है रेलवे ने कि 2023 तक हमने मिलाकर भर्तियां निकाल दी, तो इसलिए दोस्तों जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसी प्रकार से 2023 तक ले जाने की वो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हैं, तो अगर रेलवे की मनसा हुई जल्दी एग्जामिनेशन करवाने की तो दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन फेजों में कराई जा सकती है इनके बीच में, और दोस्तों अगर रेलवे की मनसा नहीं है अभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन कराने की तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, बाकी प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों, हम तो दोस्तों यही आशा करते हैं कि जो आपका ये टाइम बचा हुआ है इसमें दोस्तों आपके जो एग्जामिनेशन है फेजों में ले ली जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम बीत चुका है, स्टूडेंट परेशान है और मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे भी पता है दोस्तों कि इंतजार जब करते हैं तो कितना मेंटली प्रेशर आता है ना, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना और बिना किसी टारगेट के कब एग्जामिनेशन होगी, तो मैं इन चीजों को जानता हूं, ठीक है। चलिए किसी प्रकार का सजेशन हो, किसी प्रकार की राय हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और मैंने जो आपको ये आइडिया बताया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।